अब हम लर्न करेंगे कि सुपर हैच कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सुपर हैच कमांड को हम कमांड विंडो के अंदर सुपर हैच लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। सुपर हैच एंटर, कमांड हमारे स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हम एक्सप्रेस टैब में जाएंगे और यहां पे हमारे पास ड्रॉ पैनल में सुपर हैच होगा। यहां से मैं सुपर हैचिंग कमांड को स्टार्ट कर सकता हूं। देन सेलेक्ट द इमेज ब्लॉक एक्सटर्नल रेफरेंस वाइप आउट। ऐसे हम यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मैं यहां पे सिलेक्ट कर सकता हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पे अभी इमेज ले रहा हूं, मैं इमेज यहां पे सिलेक्ट करता हूं, ये मैं लोगो सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पे, देन ओपन। उसके बाद यहां पे पाथ टाइप है, आपने रिलेटिव या फुल पाथ आपने देना है या फिर नो पाथ देना है, मैं यहां पे रिलेटिव पाथ दे रहा हूं। इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, या फिर अगर हमारे पास अवेलेबल है कि एक्स पे वैल्यू कितनी है, वाई पे वैल्यू कितनी है, तो वैल्यूज हम यहां पे देके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। स्केल में चेंज कर सकता हूं, जब मुझे ट्वाइस करना है इमेज का, जो भी साइज होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, या फिर थ्री टाइम्स करना है, फोर टाइम्स करना है, यहां से मैं स्केल चेंज कर सकता हूं, या फिर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, या फिर मैं इसको स्क्रीन पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। रोटेशन, अगर मुझे इमेज को रोटेट करना है, जैसे अभी ये 0 डिग्री पे एंगल पे है, 90 डिग्री पे करना है, 25 डिग्री पे करना है, 45 डिग्री पे करना है, तो एंगल मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देन प्रेस ओके, मैं अभी 0 डिग्री एंगल पे ही रख रहा हूँ इसको, देन ओके। देन इंसर्शन पॉइंट मुझे कहाँ पे लेना है, या तो मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, या फिर इंसर्शन पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। देन स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर मुझे चेंज करना है, मैं स्केल फैक्टर 1 ही रख रहा हूँ, दिस साइज। नाउ यू आस्किंग इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल, यस। नाउ सिलेक्ट द इंटरनल पॉइंट, मैंने इंटरनल पॉइंट सिलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर, और ये सारे की सारी इमेज हमारे उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सुपर हैचिंग कमांड को यूज कर सकते हैं।